हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लिफ्टिंग एसेसरीज और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लिफ्टिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट को लिफ्टिंग गियर भी कहा जाता है। ये एक जनरल टर्म है किसी भी इक्विपमेंट के लिए कि जो भी इक्विपमेंट जो है उसका इस्तेमाल करके किसी भी लोड्स को लिफ्ट करना या फिर लोअर करना ये हम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट में आता है जैसे कि हेवी मशीनरीज, जैसे कि पेशेंट लिफ्ट हो, ओवरहेड क्रेन्स हो, फोर्कलिफ्ट्स हो, बिल्डिंग क्रैडल्स हो, पैसेंजर लिफ्ट्स हो, और इसके साथ साथ इसमें इंक्लूड होता है स्मॉलर एसेसरीज भी, जैसे कि चेन्स हो, हुक्स हो या फिर रोप हो। जनरली अगर देखा जाए तो इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल मटेरियल को मूव करने के लिए किया जाता है, जो मटेरियल मैनुअल लेबर के साथ में जो है मूव नहीं हो सकता है, और इस प्रकार के इक्विपमेंट का ज्यादातर वर्क एनवायरमेंट में इस्तेमाल होता है। चलिए अब जानते हैं लिफ्टिंग अप्लायंसेस के बारे में। तो लिफ्टिंग अप्लायंसेस मतलब वर्क इक्विपमेंट जिसका हम लोड को लिफ्ट करने के लिए या फिर लोअर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इसके अटैचमेंट का भी हम इस्तेमाल करते हैं एंकरिंग के लिए, फिक्सिंग के लिए या फिर सपोर्टिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर क्रेन, विंच मशीन, फोर्कलिफ्ट एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये लिफ्टिंग अप्लायंसेस के एग्जाम्पल्स है। चलिए अब जानते हैं लिफ्टिंग एसेसरीज के बारे में। तो लिफ्टिंग एसेसरीज मतलब कंपोनेंट या फिर इक्विपमेंट जिसमें स्लिंग्स भी आता है या फिर उसके कंपोनेंट्स भी आते हैं, जो लिफ्टिंग मशीनरी के साथ में फिक्स नहीं होते हैं, जो मशीनरी और लोड के बीच में जो है उसको प्लेस किया जाता है, या फिर लोड के साथ में ही इसको प्लेस किया जाता है, या फिर उसका मेन पर्पोज ये होता है वहां पर प्रेजेंट रहने का कि वो लोड का ही एक कंपोनेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर फाइबर या फिर रोप स्लिंग्स, चेन्स, सिंगल या फिर मल्टीपल लेग, हुक्स, आई बोल्ट्स, स्प्रीडर बीम्स एक्सेट्रा। चलिए अब जानते हैं लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के बारे में। तो लिफ्टिंग टैकल मतलब कोई भी चेन स्लिंग हो, रोप स्लिंग हो, हुक हो, शैकल हो, स्विवेल हो, कपलिंग हो, सॉकेट हो, क्लैंप हो, ट्रे हो या फिर सिमिलर कोई भी अप्लायंस हो जो फिक्स हो या फिर मूवेबल हो, जिसका कनेक्शन यूज होता है लोड को या फिर पर्संस को रेस करने के लिए या फिर लोअर करने के लिए, वो भी लिफ्टिंग मशीनरीज का इस्तेमाल करके, तो उसे लिफ्टिंग टूल्स या फिर टैकल्स कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो है वो कौन से होते हैं, उसकी इमेजेस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला हमारा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो है वो है चेन ब्लॉक, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और ये जो चेन ब्लॉक है ये कई तरह के आते हैं, यानी कि 2 टन के हो, 5 टन के हो, 10 टन के हो, ऐसे कई तरह के चेन ब्लॉक आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि चेन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो पाइप को उठाने के लिए हो, या फिर कोई भी मटेरियल को आपको अगर होल्ड पोजीशन में अगर रखना हो, या फिर उसको वर्टिकल पोजीशन में अगर उसको लिफ्ट करना हो, तो चेन ब्लॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये जो चेन ब्लॉक का इस्तेमाल है ये आपको मैनुअली करना होता है। इसमें आपको एक चेन के जरिए जो है आपको उसको पुल करना होता है, और दूसरे चेन के जरिए जो है वो आपको मटेरियल को जो है वो बांधना होता है। तो जैसे जैसे आप चेन को पुल करते जाओगे, वैसे वैसे वो जो चेन ब्लॉक की जो कैपेसिटी है और जो मटेरियल की कैपेसिटी है, वैसे वैसे वो जो लोड है वो नीचे ऊपर होते जाता है। फिर उसके बाद का जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है वो है चेन पुलर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ये जो चेन पुलर का जो इस्तेमाल है वो भी मटेरियल को आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि चेन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को वर्टिकल पोजिशन में अगर आपको लिफ्ट करना है तो उसके लिए किया जाता है, लेकिन चेन पुलर का जो इस्तेमाल है वो आपको मटेरियल को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर पाइप हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, उसको अगर आपको एडजस्टमेंट अगर करना हो तो चेन पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद का हमारा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है वेब स्लिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो वेब स्लिंग है वो अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कलर कोड में आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वायलेट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। तो ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के ऐसे वेबेल स्लिंग आते हैं। और जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो वेबेल स्लिंग है इसका इस्तेमाल आप मटेरियल को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देखना होता है कि मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है, और जो वेबेल स्लिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो उस मटेरियल को उठाने के लिए तो उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी लोड कैपेसिटी वो अगर बेयर कर सकता है तभी आपको उस वेबल स्लिंग का उस मटेरियल को उठाने के लिए इस्तेमाल करना है।
फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है वायर रोप स्लिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो वायर रोप स्लिंग है, इसका भी जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि वायर रोप स्लिंग के जरिए जो है मटेरियल को लिफ्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है डी शैकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और ये जो डी शैकल है, इसका जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि वायर रोप स्लिंग के जरिए जो है हम मटेरियल को उठा रहे हैं, या फिर वेब बेस्ड स्लिंग के जरिए जो है वो मटेरियल को उठा रहे हैं। लेकिन अगर जहां पर जगह नहीं बनती है मटेरियल को उठाने के लिए, डायरेक्टली जो है आप स्लिंग को उस मटेरियल के साथ नहीं बांध सकते, क्योंकि आपकी जो स्लिंग है, या फिर वेब बेस्ड स्लिंग हो या फिर वायर रोप स्लिंग हो, वो जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए जो है हम शैकल का इस्तेमाल करते हैं, और उस शैकल में जो है हम वेब बेस्ड स्लिंग हो या फिर वायर रोप स्लिंग जो है उसको बांधकर मटेरियल को उठाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि डी शैकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो आता है, वो है बो शैकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो जैसा कि इसके पहले हमने देखा था डी शैकल और बो शैकल, इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो बो शैकल है, इसका भी जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि स्लिंग के जरिए जो है मटेरियल को उठाया जा रहा है, लेकिन स्लिंग और मटेरियल के बीच में जो हम होल्ड पोजीशन है, जहां पर स्लिंग को बांधा गया है या फिर अटैच किया गया है, वहां पर जो है वो बो शैकल है। और यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली स्लिंग को इस मटेरियल के साथ बांध नहीं सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बो शैकल हो या फिर डी शैकल हो, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपकी जो स्लिंग है वो डैमेज ना हो और जो मटेरियल आप लिफ्ट कर रहे हो वो सेफली लिफ्ट कर सको। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है प्लेट क्लैंप, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो प्लेट क्लैंप है, ये जो है वो कई तरह के आते हैं, जैसा कि हॉरिजेंटल प्लेट क्लैंप हो या फिर वर्टिकल प्लेट क्लैंप हो, इस तरीके से इनके जो है वो टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि हॉरिजेंटल जो प्लेट क्लैंप है, इसके जरिए प्लेट को उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है हुक चुक, जिसे हम पुलिंग लिफ्टर भी कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो हुक चुक है, इसका जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को पुलिंग करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक साइड में जो है वायर रोप आती है, और उस वायर रोप में जो है वो मटेरियल को होल्ड किया जाता है, और जैसा कि आपको उसको अगर पुल करना है तो ये जो लीवर है इसके जरिए आप उसको पुल कर सकते हो, इसलिए इसको पुलिंग लिफ्टर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है बीम क्लैंप लिफ्टर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो बीम क्लैंप लिफ्टर है, इसका जो इस्तेमाल है आप कोई भी जो बीम हो, जहां पर जगह नहीं हो चेन ब्लॉक को लगाने के लिए, या फिर लिफ्टिंग जो आपका टूल्स एंड टैकल्स है उसको लगाने की अगर जगह नहीं हो, तो वहां पर जो है आप बीम क्लैंप लिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहां पर जो है एक बीम है, और वहां पर जो है बीम क्लैंप का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, और फिर उस बीम क्लैंप को जो है चेन ब्लॉक जो है वो अटैच किया गया है, क्योंकि चेन ब्लॉक का जो हुक है वो डायरेक्टली आप उस बीम में नहीं डाल सकते, तो इसके लिए जो है आपको बीम क्लैंप लिफ्टर का इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है आई बोल्ट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ पर एक साइड में जो है वो थ्रेड दिए हुए रहते हैं, और दूसरे साइड में जो है वो आपको आई शेप जो है वो दिखाई देता है। तो एक साइड में जो आई शेप है, वहां पर जो है आपकी जो स्लिंग है उसको अटैच किया जाता है, और जो दूसरे साइड में थ्रेड है उसको जो है मटेरियल में जो है वो फंसाया जाता है जिसमें थ्रेड हो। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है, वो है आई टू आई टर्न बकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। आपने देखा होगा कि ये जो टर्न बकल है, इसका जो इस्तेमाल है वो अगर आपको जो भी वायर रोप स्लिंग हो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए कि अगर एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी अगर मान लीजिए शीट डालने का काम हो या फिर कोई भी अगर काम करना हो, लेकिन वहां पर जो है आप स्कैफोल्डिंग नहीं बना सकते हो, तो वहां पर आपको लाइफ लाइन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो वो जो लाइफ लाइन आपने जो बिल्डिंग के ऊपर आपने लगाई है, तो वो जो लाइफ लाइन है वो एकदम टाइट होनी चाहिए। तो उस लाइफ लाइन को जो है आपको काउंटर वेट के साथ में जो है नीचे में अटैच करना होता है। तो ये जो लाइफ लाइन है ये टाइट होना चाहिए, इसमें जो है कोई भी लचक नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइफ लाइन को जो है हम टर्न बकल के जरिए जो है वो टाइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों साइड में जो है वो थ्रेड होता है, तो दोनों साइड में जो है इस लाइफ लाइन को जो है वो बांधा जाता है, और जैसे जैसे आप इसको घुमाते हो तो वैसे वैसे ये जो है वो टाइट हो जाता है या फिर लूज हो जाता है। जैसे भी आपकी वर्क की कंडीशन हो, उस प्रकार जो है आप उस लाइफ लाइन को जो है इस टर्न बकल के जरिए जो है एडजस्टमेंट कर सकते हो।
फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो आता है वो है J2J टर्न बकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था I2I टर्न बकल, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो खाली इसके शेप का है। इसके पहले जो हमने देखा था वो था I2I, और यहाँ पर आपको इमेज में जो दिखाई दे रहा है ये है J2J, क्योंकि इसका जो शेप है वो J टाइप है, इसलिए इसका जो नाम है वो J2J टर्न बकल है। तो इसका जो दोनों का फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर भी जो है आप इसको एडजस्टमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि हमने इसके पहले लाइफलाइन का जो है वो एग्जांपल लिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा लिफ्टिंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लिफ्टिंग एसेसरीज और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।